बड़ा खबर आ रहा सीवान से। ए वक्त के सीवान मैरवा रोड में मैरवा थाना क्षेत्र के तितरा गांव के समीप बर्फ लदल एगो पिकअप अनियंत्रित होके घर के सामने बैठल शख्स के कुचल दहलस, जेकर घटना स्थल पर ही मौत हो चुकल बा। मृत व्यक्ति के पहचान तितरा गांव निवासी राम नक्षत्र भगत के रूप में भइल ह। सूचना पाकर के पुलिस जौन बा उ 112 के गाड़ी मौका पर पहुँचल बिया। आम ग्रामीण जौन जौन बाड़े उ शव के रोड पर रख के वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा बने और न्याय के मांग कर रहा बने। हमारा है वहाँ बैठे थे, उनको चाका में घसीट के ले जाके वो पीछे रोड पे छोड़ा है, वहाँ बैठे हुए। सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है, इस पर जितना भी दुख व्यक्त कीजिएगा कम है। मैं इस परिवार के इस दुख के घड़ी में उन सबों के साथ हूँ और देख रहे हैं कि सब लोग जो हैं उनके सहयोग में सड़क जाम किए हुए हैं। मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। बात यह है कि अभी मैं जब यहाँ आया तो पता चला कि बगल में रोड के बगल में ले जा करके जहाँ वो घर है उनका बैठे हुए थे या कुछ कर रहे थे उस समय जा करके मार दिया। घर के दरवाजे पर, दरवाजे के करीब मारा है। तो रोड से तक लगभग जो है 50 मीटर दूरी पर जाके घटना हुई है। इसमें तो मैंने सीधे सीधे मैंने रोड गाड़ी वाली की गलती है। अब कैसे हुआ नहीं हुआ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोगों ने बहुत संयम बरता है कि ड्राइवर को पकड़ करके रखे हैं, उसको टॉर्चर भी नहीं किया है। तो ये महानता है इन लोगों की, नहीं तो इस स्थिति में रिएक्शन बहुत, हाँ इस स्थिति में रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही हुआ है घटना, और घटना दुखद है। हम मांग कर रहे हैं, अभी हमारी CO से बात हुई, SDO से बात हुई और थाना प्रभारी से बात हुई। थाना प्रभारी आ रहे हैं, CO आ रहे हैं, SDO को मैंने कहा कि हाँ आइए और गांव के जो लोगों का डिमांड है उसको सुनिए और उसके बाद जो है उन लोगों के मांग के अनुसार आप फैसला कीजिए। अभी प्रशासन की गाड़ी आई है कि नहीं? प्रशासन का अभी तो 112 नंबर केवल गाड़ी हमने देखा है, और कौन गाड़ी आया है? 112 से नहीं ना होता है। यहाँ का लोकल प्रशासन जो मैरवा थाना को आना चाहिए और SDO को आना चाहिए, CO को आना चाहिए, BDO को आना चाहिए, उसमें से तो कोई नहीं दिख रहा है। इसलिए उसको जल्द आना चाहिए और इस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बिना जो है कोई मतलब चीज़ इन पर इसके लिए कम हो जाएगा।